नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी EMRS की तरफ से बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी GSA की आई हुई है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इससे पूर्व में GSA के पद से आप लोग वाकिफ हो गए ही, KBS का GSA आया था, इससे पूर्व में NVS का GSA आया था और सुप्रीम कोर्ट से भी एक ऐसा ही पद, सुप्रीम कोर्ट JCA का पद आया था जो लगभग लगभग ऐसा ही था। अब EMRS का GSA आया था और टीम परीक्षा प्लस पहली ऐसी टीम थी जो आपको बताने वाली थी, जो जिसने सबसे पहले आपको ये बताया था कि नॉन टीचिंग पोस्ट में GSA के पद EMRS की तरफ से आ रहे हैं। टोटल 38,000 वैकेंसी प्रस्तावित हुई है EMRS की तरफ से, जिसमें पहले चरण में 4,000 वैकेंसी उनकी तरफ से दे दी गई है और ऐसे ही करके कई सारी वैकेंसीज दी जाएंगी। लेकिन अब इसमें जो नॉन टीचिंग वाले बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो एक क्लरिकल जॉब की तरफ कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि उधर अपनी जगह बनाए, या वो जो मैथ्स और रीजनिंग वाले बच्चे होते हैं, कंप्यूटर वाले बच्चे होते हैं जिन्हें ये पार्ट थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, या जिनकी टाइपिंग अच्छी होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जॉब एक खोज रहती है, उनकी निगाहें इसमें कि कोई ऐसी जॉब आए जिसके लिए हम फॉर्म भर पाए। बहुत सारे बच्चे जो कहीं NVS में, KVS में, सुप्रीम कोर्ट में एक एक दो दो नंबर के लिए रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी वैकेंसीज बता रही हैं कि अभी भी आपके पास समय है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको हारना नहीं है और आपको एक नई ऊर्जा के साथ, नई मेहनत के साथ आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो हम लोग इस पूरे सेशन में आपको बताने वाले हैं कि GSA का क्या इस बार कट ऑफ रह सकता है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, क्या किताबें होनी चाहिए आपके लिए, कौन से आपकी क्लासेस सही रहेंगी, आपके पास नोट्स कैसा होना चाहिए, टेस्ट क्या होना चाहिए और ऊपर समग्र रूप से बोला जा सकते सके तो कैसे करें तैयारी, पर हम लोग इस सेशन में पूरी सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको EMRS GSA संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ आपको मिलता रहे। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्या है कोर्स, क्या है किताबें, हम लोग जो आपको दे रहे हैं कितनी बेहतरीन किताबें हैं। लेकिन उससे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो तो आपके लिए सामने जो होना चाहिए, एक तो आप एज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पहले आप जानते हो और उसके बाद आप फॉर्म भर देते हो। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर फॉर्म कब से भरा जाएगा। फॉर्म चालू है, आप EMRS की वेबसाइट पे जाओगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे, वहीं पे आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो, वेट मत करो। दूसरी बात, जब आप फॉर्म भरना शुरुआत कर देते हो फिर आपके पास समस्या आती है कि अब हम लोग अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करें, और इसके लिए आपको चाहिए होता है एक पैटर्न और एक सिलेबस कि आपको क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है, आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा वो कैसा रहेगा। तो इसमें आपके 5 पार्ट पूछे जाने हैं, जैसे बाकी GSA होते हैं वैसे ये भी GSA है। मोटा मोटा आप समझ लो कि इसमें मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा और GS पूछा जाएगा। कहते 5 है लेकिन 6 पार्ट है। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पूछा जाएगा और दोनों ही 15-15 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन का भाषा है। तो आपको देखो 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, 20 आपका मैथ्स का है, 30 आपका क्या है जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद 30 आपका क्या है भाषा है जिसमें 15 इंग्लिश 15 हिंदी है और 30 आपका कंप्यूटर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाषा में जहां पे बाकी 15-15 है, मैथ्स यहां पे 20-20 है, कंप्यूटर और GS। अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें तो यहां पे 30, और अगर हम GS की बात कर लें तो यहां पे भी 30, मतलब टोटल 130 में से आपका 60 लगभग 50% 45% आपके केवल 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, वो आपका कंप्यूटर है और GS है। लेकिन इन दोनों विषयों में अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो जहां पे कंप्यूटर ऐसा विषय है कि आप 30 out of 30 कर सकते हो, हाँ शर्त यह है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके पास टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए और उस टीचर का मार्गदर्शन बहुत होना चाहिए, जो सारे ही गुण आपके आशीष सर के अंदर है, जो लगातार जैसे जैसी वैकेंसीज में झंडा गाड़ चुके हैं, लगातार टोटल से टोटल प्रश्न फंसा चुके हैं, मतलब कहने का मतलब कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो उनकी क्लास से ना रहा हो, ना बिलोंग करता हो, और ये हुनर रखने वाले, ये अनुभव खुद ही, अगर कंप्यूटर साइंस से का टीचर अगर आपको कंप्यूटर पढ़ाएगा तो नो डाउट आपका बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर पढ़ने वाले, और जो बच्चे पढ़े वो जानते ही है। तो कंप्यूटर एक ऐसा विषय जहां पर आप 30 में 30 ला सकते हो। उसके बाद GS में तो मैं ये बोलूंगा कि 30 में 30 लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई अगर पेपर आउट करा ले, कोई अगर सॉल्वर गैंग बिठा ले, कोई अगर ऐसा कर ले तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस हो जाते हैं 30 में 30, वरना बहुत पढ़ने वाला टॉपर बच्चा भी एटलीस्ट 1-2 ह्यूमन एरर करके आता है, 28-29 ही सही कर पाता है, मेरे दोस्त 30 में 30 नहीं सही कर पाता। बट फिर भी मैं इसे सेफ स्कोर में लेके चलता हूँ और ये करीबन आपको 20+ का टारगेट लेके चल रहा है। लेकिन एक बात समझना
कि जीएस आपको ऐसे नहीं पढ़ना है बाकी जैसे एग्जाम में पढ़ते हो। यहाँ पे आपसे वो साइंस और यहाँ से आपके वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं पूछी जाएगी। अब भी मैं आपको इसका सिलेबस अगर दिखाऊं, इसका सिलेबस आपको दिखाऊं, जनरल अवेयरनेस के पार्ट को आप पहले ही देख लो। इसने लिखा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये पूछा है। कहने का मतलब कि यहां से आपका जीके टाइप में पूछा जाएगा। जीके मतलब कि आपका स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा। स्टैटिक पार्ट मतलब कि जैसे फेमस बुक्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, फेमस प्लेसेस होते हैं, ठीक है, फेमस आपके प्लेसेस होते हैं, फेमस प्लेसेस के साथ जो पर्सनालिटीज हो गए, जो पर्सन हो गए, है ना, पर्सन हो गए, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोनूमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, अवार्ड्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक आपके क्या होते हैं, जीके के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इससे आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का मतलब तो करंट अफेयर्स हो जाता है, एक बात समझो, जहां पे करंट अफेयर्स पूछता है वनडे एग्जाम में, वहां पे इकोनॉमिक्स ना के बराबर पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ पूछेगा, बट इसका जो प्रारूप होगा वो किस प्रकार का होगा, जीके के प्रारूप पे होगा। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जीके क्या होता है ये भी समझ लो। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं भूगोल में कि नदियों के किनारे बसे नगर या नगरों के उपनाम, है ना, जैसे मैं बोलूं कि भारत का दिल किसे कहा जाता है, तो ये जीके है, जनरल नॉलेज है, ना कि आपका कोर ज्योग्राफी है। कोर ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका अलग होता है और आपका स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका अलग होता है। ऐसे कोर हिस्ट्री पढ़ने का तरीका अलग होता है, वहां पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वहां पे आप चीजों को क्रोनोलॉजी पढ़ते हो, यहां पे आपको केवल फैक्ट पढ़ना होता है, यहां पे बस ये पढ़ना होता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, ये आपको पढ़ना है, या इस पत्रिका को किसने लॉन्च किया था। तो जनरल जीके पॉइंट पे, जीके के आधार पे आपको ये पढ़ना है कि हिस्ट्री पढ़ना है। ऐसे आपकी पॉलिटी भी, पॉलिटी में आपका जो जीके कोई करंट से संबंधित चीजें हैं उससे आपका आर्टिकल पूछ लिया, ये आर्टिकल किसमें, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये करंट में चीजें हुई है, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, पॉलिटी का हो जाएगा। तो पढ़ने का तरीका आपका अलग हो जाएगा, और अगर आप इस समझ के साथ अपनी तैयारी करोगे तो नो डाउट मैं यहां पे आपको 20 का टारगेट लेके चल रहा हूं, आप 25 प्लस भी स्कोर कर लोगे। और अगर आप फिर वही पारंपरिक तरीके से पढ़ोगे कि नहीं भाई लॉ मैं लूसेंट पढ़ लूं, नहीं मैं लॉ कोई पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर कर लूं, इतिहास के लिए मैं मॉडर्न स्पेक्ट्रम उठा लूं, तो आप जॉब सिविल सर्विसेज तैयारी करो, आप यहां पे जेएससी के लिए नहीं हो, आप फिर कहीं ना कहीं अपनी तैयारी से, अपने लीक से कहीं ज्यादा दूर भटक गए हो, हट गए हो, इस बात को समझना। तो थोड़ा सा अगर मेरी बात में आपको सच्चाई लगे तो मुझे फॉलो अवश्य करिएगा, और इस बात को आपको तैयारी ऐसे करनी है, अन्यथा आप थोड़े से हट जाओगे। अगर मैं ये सेशन लेके आता हूं तो कुछ सोच समझ कर बहुत ही एनालिसिस करके लेके आता हूं। इसके सेम पैटर्न पे एनवीएस जेएससी आया था। अभी एनवीएस जेएससी का आप सिलेबस देखोगे, पैटर्न देखोगे, तो एग्जैक्टली जिस प्रकार से एनवीएस जेएससी का क्या था पैटर्न था, उसी प्रकार से पैटर्न आपका ईएमआरएस के भी जेएससी का दिया गया है। इसका मतलब, और साफ साफ बोला भी गया है ईएमआरएस के आप नोटिफिकेशन में भी, उसके जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी एनवीएस का जिक्र किया गया है। इसका मतलब अपना प्रारूप जो मान रहे हैं वो एनवीएस के तर्ज पे ही मान रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनका पैटर्न भी वैसा होगा, इनकी परीक्षा कराने की विधि भी वैसी होगी, बट थोड़ा सा अंतर यह है कि उनका सिलेबस पिछली बार स्लाइटली डिफरेंट था, इस बार इन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा अपडेट किया है, ये बात समझना। तो थोड़े से क्वेश्चन आपके अपडेटेड फॉर्म में मिल सकते हैं, और वो एनालिसिस करके कौन बताएगा आपको, मैं बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने। तो कंप्यूटर और जीएस यहां पे आपको 50 प्लस टारगेट करने। अब आते हैं हम लोग मैथ्स और रीजनिंग पे। रीजनिंग आपसे 20 क्वेश्चन पूछी जानी है, और ये ऐसा विषय है जहां पे आपको 20 में 20 क्या करना है, लेके आना है, और 20 में 20 आप ला भी सकते हो, आपको बसलते सारी की सारी क्लास अच्छे से कर लो, और जो आपको प्रैक्टिस बुक दिया जाए उसे आप प्रैक्टिस कर लो, जो आपसे सेक्शनल टेस्ट या जो आपको कराया जाता है एमसीक्यू सेशन वो आप कर लोगे, तो आपका रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विषय आसान होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन एक बात समझना कि यहाँ की रीजनिंग बाकी रीजनिंग से थोड़ी सी अलग है, ये जनरल रीजनिंग नहीं है। यहाँ पे आपका देखो जो कहीं नहीं पूछता यहाँ पे पूछा है, पजल्स आपसे पूछेगा, 5 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पजल का ही हो जाएगा या सेटिंग अरेंजमेंट से, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका डेटा सफिशियंसी का हो जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे 2-3 क्वेश्चन वर्बल नॉन वर्बल, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड में आपका कोर्स ऑफ एक्शन भी आता है, इन्फ्रेंसेस भी आता है, कंक्लूजन भी आता है, इसमें सिलॉक्स भी आता है, तो 4-5 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, सिंपल ब्लड रिलेशन होता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, सीक्वेंस सीरीज से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे ही डायरेक्ट
सिलेक्शन सेंस से एक क्वेश्चन और एसर्शन रीजन और वेन डायग्राम से एक एक क्वेश्चन और कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ोगे तो इसमें 20 में 20 लाया जा सकता है। मैं फिर भी टॉलरेंस लेके चलूँ कि एक दो बच्चा जिनका थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड नहीं रहता है, कमजोर रहता है, तो 18-19 नंबर 17 नंबर फिर भी डुएबल होते हैं। बट आपको टारगेट 20 में 20 करना है, और अगर आप इतना टारगेट नहीं करोगे तो शायद आप सिलेबस से या फिर आप परीक्षा से बाहर भी हो जाओगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन है, 750 लगभग पद हैं, पद की संख्या तो कम नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि एसएससी वगैरह जैसे या इनमें जैसे बम्पर वैकेंसी आ रही है 30,000, 40,000, 50,000, जैसे यूपीपी कांस्टेबल में 50,000 वैकेंसी आ रही है, ऐसा नहीं है। आपके पास 700 वैकेंसी में ही एक लेना है। इसके लिए आपको मैं कट ऑफ भी बता दूं कि कट ऑफ जो होता है वो 80% के ऊपर ही रहने वाला है। अभी आप 75 से 80% का टारगेट लेके चलो। लास्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा कितना लक्ष्य और बढ़ाना है, बट इनिशियल में आपको मिनिमम 75 से 80% अगर इससे सोच के चल लो फिर आप इस एग्जाम की तैयारी मत करना, अपना 1,000 रुपए मत बर्बाद करना, फॉर्म मत भरना। इस बात को मैं पहले बोल लो, अगर फॉर्म भर दियो तो जैसे बोल रहा हूं वैसे तैयारी कर लो। फिर आपका आता है मैथ्स। अब मैथ्स में इसने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है कि बाकी जगह मैथ्स थोड़ा सा क्या होता है उनमें टॉपिक्स बढ़ा देते हैं, एडवांस मैथ्स भी पूछ लेता है, बट यहाँ पे आपका कोर अरिथमेटिक है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एजेस हो गया, नंबर सिस्टम इसने एक टॉपिक लिखा और उसमें भी डेसिमल और फ्रैक्शन अलग खोल दिया है, मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं होगा। टाइम डिस्टेंस हो गया, एससीएफ एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलोकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैथ्स ने इसमें आसानी से दे दिया, और मैथ्स में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछा जाएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पारंपरिक तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है और आपने इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अरिथमेटिक का जितना कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप पढ़ लोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि अगर आप मेरी सारी क्लास कर ले, क्योंकि मैथ्स आपको मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं जानते भी हैं पढ़ाने का तरीका और कितना उन्हें लाभ मिला ये भी जानते हैं, लेकिन अगर आप मेरी पूरी क्लास कर लोगे जितना क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा उतना सॉल्व कर लोगे तो 20 में 20 आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को मान के चलता हूं कि रीजनिंग में नंबर लाना थोड़ा आसान है, मैथ्स में थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप फिर भी बहुत ज्यादा प्रयास करके अगर इसमें 15 नंबर भी ले आते हो ना, 15 out of 20, तो भी आप बहुत बहुत सेफ जोन में रहोगे। इसके बाद मैंने जनरल अवेयरनेस की बात करी थी, हिंदी में आपको 15 में 15 लेके आना है। अब अंग्रेजी भाषी ये जो 30 नंबर है इसमें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का पेपर है, ऐसे बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र से होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हैं, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको 15 में 15 लेके आना है। मतलब अगर एक दो नंबर चलो कहीं गलती से गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको टारगेट 15 में 15 होना चाहिए। ऐसे अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी में 15 का 15 टारगेट होना चाहिए। और इसमें जो आपका दूसरा पोर्शन बच रहा है उसमें भी आप मैक्सिमम करने का प्रयास करो, बट इसके भी 30 क्वेश्चन में से कम 25+ क्वेश्चन तो अटेंड करने ही करने हैं, और इतना अटेम्प्ट कर लिए तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी भी तो नीचे होगी। कंप्यूटर में अगर आप देखना इंग्लिश, ये आप इसका सिलेबस देख लेना, कॉमन टॉपिक है कंप्यूटर। एक बार मैं आपको बता दूं कंप्यूटर आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, उनके यूजर्स हैं, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट है। बहुत टफ टॉपिक तो इसमें नहीं दिया गया है, बट अगर सही से पढ़ लोगे, आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें नंबर आपका लाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कहने का मतलब आपके 130 हैं और 130 में से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 100+ क्वेश्चन का होना चाहिए, मिनिमम 100+ क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर 100+ क्वेश्चन से कम रहता है तो नो डाउट कि आप फिर थोड़ा सा कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो 130 में 30 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन कम नहीं होता है, आपको इसी हिसाब से टारगेट करना है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपके फुल नंबर आ सकते हैं, जैसे हिंदी हुआ, जैसे रीजनिंग हुआ, जैसे कंप्यूटर हुआ, यहाँ पे आप फुल स्कोर करने का प्रयास करो। 30 आपका कंप्यूटर में हो गया, 15 आपका रीजनिंग, 15 आपका इसमें हो गया हिंदी में हो गया, उसके बाद 20 आपका रीजनिंग में हो गया, तो आप 35 और 30, 65 तो यहीं पे कर ले, मतलब 50% नंबर आपके और 3 विषय से स्कोर कर सकते हो। बाकी आप 50% में से, कहने का मतलब 40 क्वेश्चन आप बाकी में से नहीं कर सकते, तो आराम से कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। हालांकि नो डाउट कहने में थोड़ा सा आसान होता है बट करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन ये काम और भी आसान हो सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत ही बेहतरीन कोच ला रही है। आप जब से वैकेंसी का सुने तब से लगातार बोल लो सर इसका पेड बैच लाइए, पेड बैच लाइए। नो डाउट मैं भी जान रहा हूं कि आप इसके लिए गंभीर हो, और ये गंभीरता आपको मैं आपकी गंभीरता को सर्वप्रथम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए इस बैच को यहां पे लेके आए हैं, और इसकी फीस भी बहुत कम रखी गई है इस बार।
ये बच्चों 592 प्लस जीएसटी रखी गई है, जो आपको 699 दिख रही है। कोर्स का फीस जो भाई हम लोग ले रहे हैं वो तो 592 ही है, इसके अतिरिक्त जीएसटी तो हम भी सरकार को ही भरते हैं। तो 699 मत दिखिएगा, वो तो चाहे मैं हूँ चाहे आपको जीएसटी भरना ही भरना है, 592 आपकी फीस है। और इसमें आपको सारी की सारी जितने आपके पांच पार्ट है, पांच नहीं मैं छह पार्ट बोलूंगा, क्योंकि अपनी इंग्लिश की भी क्लास लगवानी पड़ेगी, हिंदी की भी क्लास लगवानी पड़ेगी, दो टीचर तो आपको डेडिकेटेड ही हो गए, जीएस की क्लास अलग होगी, तीन टीचर हो गए, मैथ्स में पढ़ाऊंगा चार, रीजनिंग आपको आशीष सर पढ़ाएंगे पांच, मतलब पांच से छह टीचर तो आपको यहीं पर पूरी की पूरी अपनी मेहनत दिन रात झोंक देंगे। साथ में ही आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस, आप उसे कई बार देख सकते हो, उसको चार के स्पीड तक देख सकते हो, उसके बाद फिर आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके कोर्स आपके ऐप में ये कोर्स लगा रहेगा, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको जितने भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ जो बोर्ड की वीडियो होती है, और जो अन्य संस्थाएं होती है ना वो 800-900 हज़ार में, आप किसी का मैं नाम तो यहाँ पे पब्लिकली नहीं ले सकता, लेकिन आप किसी भी संस्था पे जाके देखोगे 1,000-1,500 से नीचे इसका बैच नहीं होगा, और आपको दे क्या रहे होंगे, आपको दे रहे होंगे केवल लाइव क्लासेस, और बहुत ज्यादा आपको लुभाने के लिए बोल देंगे कि हम क्लास की पीडीएफ, उसमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो ये ए मेरे बोर्ड में भाई सॉफ्टवेयर सेव कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर सेव कर रहा है। अब मैं इसे अपने पास रखे रहूं, उसमें नमक मिर्ची लगा के मैं मसाला खाऊं, या मैं उठा के आपको दे दूं कि आप आसानी से रिवाइज कर लो, आपको नोट्स ना बनाना पड़े, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो केवल आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लुभाया जा रहा है, ये तो मैं भी आपको उठा के दे दूंगा। तो वो केवल क्या दे रहे हैं, वो केवल लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे हमारी किताबें खरीद लो, उसके बाद बोलेंगे हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लो, तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग से करके फिर आपका 2,500-3,000 जाएगा। इससे अच्छा आपको टीम परीक्षा प्लस ये सारी ही किताबें, जितनी भी किताबें हैं, हाँ ये किताबें एक चीज है कि ई बुक के फॉर्मेट में है, लेकिन ये किताबें इतनी बेहतरीन है और लगभग 60-70 पेज का है। जैसे अभी मैं आपको डेमो ही दिखा देता हूं ताकि प्रत्यक्षम के प्रमाणम वाला रह जाए, आपको ये ना रहे कि पता नहीं क्या रहेगा, और जो क्वालिटी कंटेंट है वो आप यहां से एक बार देख सकते हो। ये ईआरएस जैसे का डेमो है, ठीक है, डेमो एक बार आपका, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके, कि हिंदी भाषी अगर क्षेत्र का कोई बच्चा है तो उसे भी अंग्रेजी पढ़ने में तकलीफ ना हो, वो हिंदी के माध्यम से ही वो क्या पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़ ले इस हिसाब से। और सर्वेसर इसकी आपकी क्लास लेंगे इस बात की गारंटी, इतना बेसिक से इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं कि अगर आप इंग्लिश के मतलब कितना भी डर लगता हो आपको इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपकी इंग्लिश है, उसके बाद इंग्लिश के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में आपको वोकैब बुक दिया जाएगी, वोकैब आप अलग से रख लो। फिर ये देखिए जैसे वर्ड मीनिंग वगैरह यहाँ पे दे दिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपको अलग से वोकैब, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, और ये भी गारंटी है कि इसी नोट से आपके वर्ड हो जाएंगे। मैथ्स आप देखो तो मैथ्स में कितना बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आपको पूरा पिक्चोरियल फॉर्म में बताया गया है, और ये सारी ही चीजें आपको यहां पे क्या हो जाएंगी, मैथ्स की मिल जाएंगी, इसकी प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये सारे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग भी बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन और हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे, बाइलिंगुअल में आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इसके अतिरिक्त आपको जो हिंदी के नोट्स हैं या फिर बाकी जो है ये अगर आप देख लो तो ये कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर भी ये किताबें जो आपकी होंगी वो जो माध्यम होगा वो हिंदी माध्यम होगा, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर का हो गया तो कंप्यूटर में आपको इंग्लिश मीडियम वाली भी किताब दे दी जाएगी, बट बाकी जो सारी चीज़ें हैं मैथ्स और रीजनिंग आपकी बाइलिंगुअल ही रहेगी, इंग्लिश इंग्लिश में ही और हिंदी हिंदी में ही, उसमें लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरल अवेयरनेस आपको केवल हिंदी मीडियम में दी जाएगी, और इसलिए जनरल अवेयरनेस हिंदी में दी जा रही है क्योंकि यहाँ पे कोर जीएस नहीं है, यहाँ पे आपको केवल स्टैटिक पार्ट रखना है, और इसके लिए बहुत बेहतरीन किताबें, इस किताब ये करीबन 70-80 पेज का हो सकता है, 70-80 पेज के लमसम ही रखी जाएगी, और इस किताब को आपको टारगेट बना के कि डेली 2-3 पेज आपको रटना है। अगर आप इसे रट लोगे ना तो इसमें देखो जैसे पुस्तक और उनके लेखक, जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हो सकती है उनके लेखक दे दिए गए हैं, और ये भी नहीं कि दुनिया की सारी किताबें जो इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न बनते हैं, उसके बाद राजधानी और मुद्राएं, यहां से क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी, विश्व के प्रमुख देश उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं, ज्योग्राफी वाले पार्ट का स्टैटिक यहां पे दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे ही मतलब ये डेमो पार्ट में है, ऐसे ही आपकी नदियों के किनारे बसे नगर ये सारे दे दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और हर पार्ट हर सब्जेक्ट अपने आप में बेहतरीन है। इसके अतिरिक्त आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो आपको टेस्ट की पीडीएफ या एमसीक्यू की पीडीएफ जो होंगी वो आपको मिलते हुए रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि जितना मैं आपको बोल रहा हूँ उतना आपको बस फॉलो कर लेना है कि हाँ भाई आलोक सर ने बोल रहे हैं, अगर इनकी टीम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। आप बस इतना सोच लो यार कि इतने कम शुल्क में जो एकदम निःशुल्क भी माना जाए, तो ये निशुल्क भी बोलना इसको थोड़ी सी बदनामी हो जाएगी, है ना।
इतने कम प्राइस में, जब आपके 6-7 टीचर और इतनी बड़ी टीम आपको दिन रात मेहनत करने के लिए आपके साथ प्रतिबद्ध है, तो आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? आपको मेरे लय में लय मिला के, आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा और फॉलो करते हुए इस बात को खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा, नहीं सर भले ही इसमें 750 वैकेंसी है लेकिन एक वैकेंसी मेरी है, और कुछ भी हो जाए अगर आपका मार्गदर्शन मिला और आप मेहनत आपकी रही तो निश्चित रूप से हम सफलता अर्जित करेंगे। ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा, मुझसे करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। नौकरी लेने के लिए बच्चों, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीजें त्यागना पड़ता है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, निरंतरता बनानी पड़ती है, तब जाके एक नौकरी मिलती है। और इन सबके लिए जो असिस्ट करता है वो आपका अध्यापक होता है, आपका जो रिसोर्सेस होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, और जो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और मार्गदर्शन हो सकता है वो होता है। ये सब देने का प्रयास करेंगे हम, आपको इतना आशान्वित करते हैं, इस बात का आपको एश्योर कराते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो कहीं भी, एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज या टेस्ट से बाहर नहीं होंगे। बस आपको अगर फॉलो कर लिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये सारी ही किताबें या कोर्स से जुड़ने के लिए आपको कुछ अधिक नहीं करना है, बस आपको करना क्या है कि परीक्षा प्लस ऐप अगर आप इंस्टॉल किए हो तो ठीक है, अब आप कोर्सेज में जाओगे आपको मिल जाएगा। नहीं परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल किए हो तो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पे आप जाओगे तो कोर्सेज में आपको सबसे ऊपर ही लगा मिलेगा, वहाँ से आप बाई कर लोगे, 592 है, GST लगा के 699 आपका पड़ेगा, वो आप फीस अगर सबमिट कर दोगे आपका कुछ दिन विद इन सेकेंड या मिनट में आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी जो क्लासेस हैं वो 3 जुलाई से इसकी प्रॉपर क्लासेस चलाई जाएंगी, संडे को इसका आपको टाइम टेबल भी दे दिया जाएगा। हम इनिशियल में स्ट्रेटेजिक तरीके से इस हिसाब से चलेंगे कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है, कि आप 2 से 3 क्लासेस मैक्सिमम आपके पास रहें और उनको ही आप अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स पढ़ो, और जैसे जैसे एग्जाम की डेट आएगी वैसे वैसे हम अपनी मेहनत बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद कड़ी मेहनत करेंगे, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, तो 3 स्टेज में हमारी तैयारी होगी और बहुत ही समग्र रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होगी। तो आप बस एक प्रॉमिस आपको मुझसे करना है कि नहीं सर आप जैसा बता रहे हैं मुझे उस हिसाब से चलना है और सिलेक्शन लेना है, तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा, मेरा भी दिल बहुत गदगद हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी लोग हमसे जुड़ते हो सभी लोग यहाँ पे सिलेक्शन लो और जल्द से जल्द नौकरी पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हो, कोई समस्या होती है तो ये जो नीचे नंबर दिए गए इस पर कॉल कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और सेशन को पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का।